अगला मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस है। अगला मेट्रो स्टेशन नहीं है भाई, अगला स्टेशन राजौरी गार्डन है। दरवाजे आपके बाईं तरफ खुले हैं, कृपया सावधानी से उतरे। कैसा है ऋतु, तुझे ये भूल गया तू? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। तो हमारा फ्लाइट आज 3 घंटे डिले है, तो पूरा T3 एयरपोर्ट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। वेरी गुड, कभी तो ये काम करना ही था हमको। पहली बार सवाई टर्मिनल 3 पे हमारी फ्लाइट इतनी डिले हुई। ये तो खाना भी नहीं दे रहे यार, खाना अपने पैसे से खाना पड़ रहा है। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से बीकानेर। बीकानेर में पहली बार जाने वाले हम, और वो भी परफॉर्म करने के लिए। हमारा फ्लाइट किस वजह से डिले आज? हमारी जो फ्लाइट जाने वाली है ना, पंखे वाली है, छोटी फ्लाइट है, और वो इमरजेंसी लैंड हो गया कहीं, तो वो कैरियर ही थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया। तब से भैया की जान अटकी हुई है, उनको ऑलरेडी पंखे वाली फ्लाइट से डर लगता है। और ऊपर से ये जब न्यूज़ पता चला कि वो इमरजेंसी लैंडिंग हुआ, तब तो और ज़्यादा हालत खराब हो गई। लेकिन एयरलाइन वाले सांत्वना दे रहे हैं कि अरे घबराइए मत, घबराइए मत, कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छी फ्लाइट है। पूरा होली का सेलिब्रेशन T3 एयरपोर्ट। नाइस। 9:30 बजे का बोर्डिंग था, हमें लग रहा था कि लेट हो जाएंगे आज, लेकिन 3 घंटा डिले 12:30 बजे का, और अभी सिर्फ 10:30 बजे है। तो 2 घंटे अपने पास, अब अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी क्रोमा स्टोर में घुस के पूरा टाइम पास करते हैं। यार ये दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादा दूर मत जाना हनी। नाइस डियर, वेरी गुड। आज ऐसा लग रहा है हमारे पास कितना ज्यादा समय है। 3.5 घंटा हमने प्रॉपर यूटिलाइज किया है। बहुत सारा सामान। इतना सारा क्यों लिया? हमें एक सीक्रेट ट्रिक पता चला, जिससे बिना पैसे के हम निकाल सकते। सही में इतना सारा हमने निकाल लिया गाइस। ये हमने इसका कोई पे नहीं किया। सही में पागल है क्या? मेरे को बता, मैंने देखा नहीं ध्यान से। इस वीडियो पर 1 मिलियन लाइक करिए, आप सभी को बताएंगे वो ट्रिक। 1 2 3 4 सच में, या फिर ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं? तरीका है, मैं मजाक क्यों करूंगा, ये सबको नहीं बताया जाता, ये बहुत क्लोज मैनेजमेंट ट्रिक है। ऋषभ के पास मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 12 बज चुके हैं और बोर्डिंग अनाउंस हो चुका है हमारा। तो यस, मेरे को कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। बहुत दिन के बाद चश्मा निकाला मैंने, पता नहीं कहाँ रखा हुआ था। इसे मैंने ढूंढा, फिर साफ वाफ किया, फिर पहना इतने दिनों के बाद। कान सुन लोगे भाई, ये तो बहुत ही बड़ी कलाकार होने वाली है जी, आने वाले समय में। बड़ी तो हो गई लेकिन और बड़ी होने वाली है। भाषाएं भी तुम 3-4 जानती हो? 10-12 पंजाबी के बहुत अच्छे गाने गाए पिछले। अलग अलग स्टेट के लोग मुझे अलग अलग तरीके से। अच्छा जी जी जी, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। और फिर करनी माता के दर्शन करके जाना। हाँ बिल्कुल, पक्का जाना। अलग अलग करनी माता का अलग है।
हम लोग पहुंच चुके हैं, ये लालगढ़ पैलेस है, बहुत सुंदर है। कितने कमरे होंगे इस पैलेस में? 55 कमरे, और उनके फैमिली में इतने मेंबर होंगे? पीछे ये देख सकते हैं। अच्छा वो इधर रहते हैं? वो पीछे वो देखो सामने कनिष्ठ जी फोटो है पीछे, वहाँ एक पीछे आप घूम के जा सकते हैं। सब कुछ असली है? हाँ सारे। तो ये कैसे अब तक क्या बचा हुआ? ये तो इसमें केमिकल आता है, इसको इसकी आंखें में असली, सब असली, सब कुछ असली है सारे। इतना सुंदर पैलेस है ना कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं ब्लॉग कैसे बना पाऊंगा, इतना कुछ है यहाँ पे दिखाने का। तो हम लोग निकल चुके हैं कंडी माता के दर्शन करने के लिए, और काफी मान्यताएं हैं, काफी कथाएं हैं, तो आज जा रहे हैं हम देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। देखते हैं कि सफ़ेद चूहा हमें दिखता है कि नहीं, हम मना रहे हैं कि दिख जाए। तो यार मंदिर शायद अंदर वीडियोग्राफी अलाउड है कि नहीं मुझे पता नहीं अभी, और जूते होते तो गाड़ी में उतार दिया हमने, चलते हैं। तो हमने प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं मंदिर पे। तो दीदी पापा नहीं आ पाए क्योंकि ये एरिया बहुत दूर है हमारे होटल से, करीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता। दीदी रेस्ट कर लेगी, गाने वाने तैयार कर लेगी क्योंकि आज रात परफॉर्म भी करना है उसको। ये जो प्रसाद चढ़ेगा यहाँ पे वो केवल यहीं के लिए है, आप उसको लेके नहीं जा सकते, यहीं पे खाना पड़ेगा, यहीं पे इसको समाप्त करना पड़ेगा और यहीं चढ़ाना पड़ेगा। अभी हम चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ सफ़ेद चूहा देखना बहुत ही बड़ी मान्यता मानी जाती है, जिसको सफ़ेद चूहा दिख जाए समझ लो वो बहुत लगे। आप खोजें इसमें। चूहा तो बहुत ढूंढने से नहीं मिला लेकिन कबूतर जरूर मिल गया सफेद, पर माता रानी का आशीर्वाद भी मिला है। तो अभी शाम के 8 बज चुके हैं और बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, यहाँ से निकलने का समय हो चुका है, पहले जाएंगे तो बिल्कुल पास में ही है जो वेन्यू है, तो पहले मीडिया इंटरेक्शन होगा कुछ दीदी का, उसके बाद 8:30 बजे से एग्जैक्ट शुरू हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2019 में दर्ज हुई थी, इसके साथ साथ मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी भी बनाई थी, और ये जो है वो पगड़ियाँ वो आपके हाथों में आज हम सजा रहे हैं, जिन हाथों से आप शुरू को सजाती है। Thank you.
फ्लाइट आज भी डिले थी, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और हम लोग बिल्कुल फ्रेश होकर महल घूम रहे हैं। कितना सुंदर सा महल है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी महल की दूसरी साइड चलते हैं। मतलब ये महल ना बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ है, जहाँ पे एक कोई पार्ट है जहाँ पे राजा अभी भी रहते हैं, जो राजा की फैमिली है। और ये सब कितना सुंदर है देखिए, ये सब राजघराने के जो भी लोग थे उन सब के तस्वीर हैं। ऊपर बाघछाल, सारे राइनो, डियर्स, कितना सुंदर लगता है। तो बड़े बड़े झूमर, ओ माय गॉड, मजा आ जाता है यार। कितना नॉस्टैल्जिया, अलग से फीलिंग आती है जब फोटोज देखते हैं ना, ऐसे चारों तरफ उनकी शक्लें याद हो रही हैं मुझे। वापस दिल्ली जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, बीकानेर में ही रह जाने का मन कर रहा है। इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे सर यहाँ पे, और हम बहुत 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 मज़ा आया। थैंक यू। हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं, फ्लाइट उठ चुकी है और बस मना रहे हैं कि ज़्यादा झटके ना खाए और हम बहुत अच्छे से पहुँच जाए दिल्ली, बिल्कुल एकदम पक्खन की तरह। बीकानेर में इतना मज़ा आया ना भाई, फर्स्ट टाइम आए थे लेकिन पूरा स्वाद आ गया एकदम।